तो भाई लोग कैसे हो? तो यार बम 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 स्वागतम। और आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि मैंने कहाँ से टपाई है, ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है? और जिसको भी पता है भाई कमेंट करके जरूर बताना। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा यार, मतलब फेमस लाइन है ये बहुत। कहाँ से चुराई है यार, आपको पता होना चाहिए। खैर वो सब छोड़ो यार, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जिसमें आपके भाई को AWM मिल जाती है भाई। मतलब कतई फाड़ के फेंक देता हूँ मैं फिर, मतलब इतना भी नहीं होता लेकिन यार बढ़िया चलती है यार AWM, खतरनाक गन है सबको पता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए जोर जो जा रहे हैं, क्योंकि देखो यार किल चाहिए। किल के लिए कहाँ जाऊँगा मैं आजकल, पता है रोजॉक भी हॉट ड्रॉप बन रखा है भाई। मतलब एक आध बार गया था मैं भाई रोजॉक में, ज़्यादा बंदे आ रहे हैं आजकल जोर जो से। लेकिन फिलहाल जोर जो पास ही था तो मैंने सोचा क्या पता यहाँ पे लौंडे आ जाए ना, तो ग्लाइड करके मैं जा रहा हूँ। मैं यार सस्ती सी लैंडिंग, मतलब जब तक 750 मीटर में होती है ना तब तक तो बढ़िया तरीके से हो जाती है लैंडिंग, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस में इधर उधर थोड़ा फर्क पड़ता है भाई गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं हमेशा की तरह इन कंटेनर्स में आ गया, पता नहीं क्यों मैं हमेशा ही उतरता हूँ यहाँ पे, अच्छा लगता है यार। वैसे मैं कई बार ठिल जाता हूँ तो लकी तो कह नहीं सकते इसको, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ उतर के। तो मुझे DP मिल जाती है और किसी की अब मैं पेटी बना दूंगा एक ही बार में, ठीक है? पेटी बनने के लिए अब रेडी हो चुकी है। आगे 3-4 बंदे उतरे होते हैं, मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ लेट, ठीक है? अब लेज़र का स्प्रे दूंगा, बिल्कुल लेजर, ठीक है? मतलब आयरन साइड पे DP भाई, उस भाई की मैंने पेटी भी बना दी अभी तक। वो तो भाई बंदा रो रहा होगा कि भाई उतरने तो दे, 100-200 ज़्यादा ले ले पर भाई उतरने तो दे। लेकिन भाई लैंड भी नहीं हुए वो भाई, है ना यार? मैं सबकी लाइनें कॉपी क्यों कर रहा हूँ? अभी ये मीम कॉपी की मैंने 100-200 वाली, कते खतरनाक थी यार। खैर वो सब छोड़ा यार, यहाँ पे एक बंदा देख के जैसे मैं नॉक करता हूँ मैं समझ जाता हूँ यार ये लोग निहत्ते वगैरह होंगे, तो मैं चल देता हूँ आगे की तरफ। लेकिन वेस्ट वूस्ट लेने के लिए मैं कंटेनर में घुस जाता हूँ, दबा दब फाइटें चल रही होती भाई। मैं आ जाता हूँ अपनी DP लेके, पीछे बिल्कुल पीछे रख के भग रहा था, और एक यहाँ पे मैं किल भी चुरा लेता हूँ। मतलब सही है भाई, एक को पहले पेटी बना दिया, दूसरे बंदे की किल चुरा ली। इस टीम का बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। तो सीधा ना जाके मैं राइट से फ्लैंक करता हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है? काम आता है यार, सीधा जाओगे तो ठिल जाओगे। ये बंदा मेरे टीममेट पे स्प्रे दे रहा होता है, मैंने बोला अरे भैया पीछे तो देख लो। यहाँ पे मैं कूद के जंप शॉट लेके कोशिश करता हूँ किसी को ढूंढने की, फिर पीछे एक और बंदा आ जाता है, तो इनकी स्क्वाड यहाँ पे ठिल गई भाई। इस स्क्वाड का ना दिन बहुत बुरा चल रहा था, ठीक है? एक तो मुझे उतरते ही लेजर गन मिल गई है ना, DP भाई, DP 28 भाई, कतई जहर यार। मतलब आयरन साइट में अगर आपने चला ही है तो यार कमेंट करके जरूर बताना, मतलब क्या चलती है भाई, जीरो रिकॉइल बिल्कुल। और यहाँ पे मैं मतलब आराम से लूट रहा था, ठीक है, कि भैया सीन शॉट क्या है, आराम से लूटता हूँ। तभी यहाँ पे ये 2-3 बंदे आ जाते हैं भाई, मतलब पता नहीं कहाँ से, थर्ड पार्टी कौन सी पार्टी करते हैं। एक बंदा क्या है, एक बंदा इसका लूट रहा होता है, दूसरा बंदा TPP ले रहा होता है। तो मेरे ख्याल से जो बंदा लूट रहा था ना उसने अटका दिया TPP वाले को, और वो टाइम पे बाहर भी नहीं आ पाया। तो भाई ऐसी गलत सीन होते हैं जब आप लूटते हो फाइट वाली सिचुएशन में, है ना? क्या पता उस भाई पे कुछ गन ही ना हो, नंगा हुआ ना, ऐसी इन लॉन्डो पे गन थी नहीं, सब नंगे नूंगे भग रहे थे। तो यहाँ पे बची कुची घिसी पिटी जो भी सड़ी सी लूट थी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, है ना? वेस्ट वूस्ट सबके डैमेज है भाई, सबको गन गुन से पहला है। यहाँ पे एक सेकंड के लिए मेरी फट गई थी भाई कि ये क्या हो गया, मतलब भाई TPP लेके बंदा खड़ा हो रखा है भाई। मुझे लगा जाऊंगा मैं, लेकिन बच गया भैया। DP 47 गोली भैया पेल के रख देती है, वो भी लेजर, खतरनाक। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, सीधा जोरजो के बाद मैं जाता हूं रोजॉक, कद्दू कोई नहीं होता वहां पे, ठीक है? मुझे लगा रोजॉक हॉट ड्रॉप है, कोई तो आएगा, रोजॉक भी नहीं गए थे लौंडे। तो यहां पे मैं आ जाता हूं सीधा पोचंकी में, है ना, रेड जोन भी होता है, तो थोड़ा साइड से लेने की कोशिश कर रहा होता हूं मैं। और उतने में ही मुझे एक बाइक दिखती है, बंदा बाइक पहाड़ी के ऊपर चढ़ा रहा है भाई। मतलब पता नहीं क्या ही सीन करना चाह रहा होता है, कार कूर मिलती नहीं लौंडों को। तो यहाँ से मैं सोचता हूँ इस घर पे रुकूंगा, एक ही बंदा है ठिला दूंगा, लेकिन भाई मैं गलत होता हूँ, ठीक है? एक बंदे को तो मेरा टीममेट ठिला देता है। मैं सोचता हूँ यार लूटेंगे आप, मतलब लूट ऐसी सस्ती है, लूट लेता हूँ, क्या पता कुछ ढंग का मिल जाए। और इतने में ही साइड स्वीट से गोली चलने लग जाती है भैया। अब यहाँ पे मैं दोनों को डैमेज देता हूँ, है ना, लेकिन वो नॉक नहीं होते, ठीक है? मुझे लगा था नॉक हो जाएंगे, इसलिए मैं वापस कवर में आ जाता हूँ। देखो चांस क्यों लेना, है ना, नॉक नुक नहीं हुए और गोली पड़ गई, कवर से बाहर रहा मैं तो दिक्कत हो सकती है। तो इन्हें पेलने के लिए मैं इधर से बाहर से TPP ले रहा हूँ ताकि नेड नूड ना आए। Mini 14 चलाने की सोच रहा था मैं, क्लिक बेट करूंगा बोल के कि भैया मिनी का ये वो, बट यार मौका सा नहीं मिल रहा था मिनी चलाने का। अब यहाँ से एक लेफ्ट से बंदा आ रहा होता है, वो तो मेरा टीममेट संभाल लेता है, कोई दिक्कत है नहीं। पर दूसरा बंदा भाई कतई प्री फायर, तगड़ा प्री फायर दे रहा है। तो यहाँ पे पूरी स्क्वाड ठिला देते हैं हम, है ना, मतलब
उस बाइक वाले के लिए बुरा लग रहा है यार, मतलब भाई गाड़ी गुड़ी ढूंढने जा रहे थे शायद चर्च चूर्च के साइड से, है ना, ठिला दिया भाई गाड़ी से ही ठिला दिया। तो इनको मैं पेल देता हूँ यहाँ पे, गलत ही सीन हो गया भाई इनके साथ। रस सही किया था यार बंदों ने, लेफ्ट से आए थे राइट से आए थे, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, है ना, लेकिन भाई हमने ठिला दिया, अब क्या कर सकते। तो एक बॉट भाई साहब भी आ जाते हैं यहाँ पे हमारी केडी बढ़ाने के लिए, भाई शुक्रिया। वैसे मुझे आजकल बॉटों पे बहुत खुंदक आती है यार, कभी किल चुरा देते, कभी अपने को ही डैमेज दे देते, गोलियां खत्म करा देते यार, अच्छा नहीं लगता यार। पहले एक टाइम था बॉट आते थे मजा आता था, अब तो कहते खतरनाक कर रखा है भाई बॉटों को, बहुत टीपीपी ले रहे हैं, लूट रहे हैं, फट जाती है यार अब तो बॉटों से ही फट जाती है। लेकिन कोई बात नहीं यार, मतलब पबजी बॉट हटाएगा नहीं और हम भी बॉट पेलना छोड़ेंगे नहीं, है ना, तो बकवास करके क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल दूसरी साइड आ जाता हूँ मैप के, ना जोरजो के ऊपर की साइड, यहाँ पे मिलती है मुझे AWM भाई, मतलब दिल खुश हो जाता है। मेरा टीममेट कोशिश करता है यहाँ पे टपाने की, मैं बोलता हूँ हट बे मैं चलाऊंगा ये AWM, अपन चलाएंगे, सस्ती स्नाइपिंग है। लेकिन क्या हुआ यार, मतलब औरों को कैसे दे सकते चलाने, खुद चलानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं जा ही रहा होता हूँ, मेरा टीममेट स्पॉट करता है एक बंदे को भगते हुए। तो यहाँ से मैं सोचता हूँ कि ऊपर से नॉक करूंगा ना, AWM उठा रखी है, क्लोज रेंज में जाके आराम से पेल सकता था मैं इसे, लेकिन मैंने सोचा ऊपर से पेलता हूँ। फिर मैं ऊपर आया तो ये झाड़ी झंकट पूरा अमेजॉन फॉरेस्ट इन्होंने यहीं पबजी में ही बना रखा है। तो मैंने बोला यार क्लोज रेंज ही लड़ लेते, दिक्कत कहाँ रही है। तो यहाँ पे मैं गाड़ी गुड़ी रोकता हूँ, बंदा मुझे नीचे से ऊपर जाता दिखता है, ठीक है, भगता हुआ। तो मैं उठाता हूँ नेड और देता हूँ पत्थर की तरह, ठीक है, इस बार मैंने कुक कर दिया गलती से, लेकिन वैसे मैं पत्थर की तरह फेंकूंगा आप बाकी के नेड, क्योंकि यार मतलब नेट थे फेंक दो भैया, किस पे टाइम है इतना, है ना, कुक करके बैठो। उठाया मैंने दबा दब दोनों जगह पे डाल दिए, तो कहीं पे भी होगा वो बंदा, फटना ही फटना है, ठीक है। एक नेट फटा, खत्म भाई का काम खत्म, ठीक है। दूसरा नेट फटने के बाद मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ लूटने, क्योंकि यार अपन तो लूट के भूखे हैं, है ना, मतलब चाहे आखिरी बंदा हो उसको भी लूटेंगे, है ना, गेम खत्म हो गया उसे भी लूटेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई लौंडे पे है क्या। यहाँ पे मैं अपना 6x वगैरह एडजस्ट करता हूँ, एक गाड़ी भग के जाती है यहाँ से, ठीक है, मतलब मुझे लगा था ये लोग रस वगैरह करेंगे, पूरी स्क्वाड थी इनकी, लेकिन नहीं, इन्हें भी भगना है तो क्या कर सकते हैं यार। यहाँ पे मेरे टीममेट ने फ्लेयर मंगा दिया होता है, तो ऐसे कैसे वेस्ट कर दे, वैसे मैं ज़्यादातर टाइम वेस्ट ही कर देता हूँ, फ्लेयर अपने जेब में पड़ी रहती है, मैं चलाता नहीं, भूल जाता हूँ, और फिर कमेंट में गालियाँ पड़ती है कि भाई तुमने फ्लेयर वेस्ट कर दी। कसम से फ्लेयर से क्या होता है ना, मेरा ये है कि मुझे बंदे पेलने हैं, ठीक है, लेकिन फ्लेयर से क्या होता है, यहाँ पे देखो अब मुझे रुकना पड़ेगा कितने देर तक कि फ्लेयर आएगी, नीचे आएगी, धुआं निकलेगा पीला, मैं धुएं से लूटूंगा फ्लेयर, फिर लड़ाई होगी कि भाई ये गन मैं लूंगा, गड़बड़ हो जाती है यार। उतने में मैं देखता हूँ कि यार ड्रॉप में बंदे गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ उसके रुकने का गाड़ी, और बूम, कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरा बंदा ड्राइवर सीट में बैठता है, वो ठिल जाता है, ठीक है, मतलब सही है भैया, किस्मत बढ़िया थी यार इस शॉट में, ठीक, गाड़ी में बैठता है भाई, ठिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गाड़ी से लेके सीधा रस कर देता हूँ, उनकी और लोगों से फाइट फूट चल रही होती है, क्योंकि वो बंदा मर जाता है वहाँ पे जो होता है, तो मैं बोलता हूँ यार बंदा मर ही गया, किल मिली गई, तो ड्रॉप लूट लेते हैं ना, मंगाई है तो लूट लेते हैं। और मैं थोड़ा सा निराश हो जाता हूँ, मतलब मैं सोचा था ग्रोजा वगैरह मिलेगी, है ना, तो उठा लूँगा, पर AUG वगैरह मिलती है तो कोई नहीं यार, मेरा टीममेट ले लेगा ना, AUG उसे बहुत पसंद है। और ठीक यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं चिल्ला रहा होता हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, घर से मुझे डांट पड़ रही होती है कि भाई क्यों चिल्ला रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ भाई बैठ जा, लौंडे की अटैचमेंट सब गिर जाती है, ठीक है, तो वो सब उठा रहा होता है। उठाने के बाद हम लोग इधर की साइड चलते हैं, ड्रॉप पे तो काम खत्म हो चुका होता है और गाड़ी गुड़ी निकल ली होती है वहां से। मैं कोशिश करता हूँ इस गाड़ी को स्प्रे देने का, लेकिन ये लोग बस निकलते हैं मेरे सस्ते स्प्रे से, ठीक है। बैरल है भैया, रिकॉइल इतना महंगा क्या ही बताऊं, मतलब ग्रोजा का रिकॉइल ज़्यादा सस्ता है इससे, ठीक है। AKM तो सबको पता है यार, अब तो आदत सी होगी AKM चलाने की, रिकॉइल का लगता नहीं इतना कुछ, लेकिन बैरल भैया मतलब भाई डैमेज डूमेज देख के ना, फायरिंग रेट देख के मजा सा आ जाता है, लेकिन वही बात है यार, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने डायलॉग गलत बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग जा रहे होते हैं यहाँ से, AWM होती है मेरे पे, इस्तेमाल करता हूँ मैं, ठीक है। वो गाड़ी वाले लोग यहाँ पे रुके होते हैं तो मैं रोक देता हूँ यहीं पे गाड़ी, ठीक है, बेवकूफ़ों की तरह। और भाई मुझे स्प्रे देने की कोशिश करते हैं, मैं देता हूँ भैया हेडशॉट गलती से, ठीक है, ये बात याद रखना, गलती से होता है हेडशॉट, जब भी मेरा हेडशॉट होता है वो गलती से होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई स्नाइपिंग आती है, नहीं, मेरी स्नाइपिंग बहुत सस्ती है, गलती से यार हेडशॉट वगैरह लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे पता होता है ये लोग अब कोशिश करेंगे मेरी गाड़ी फोड़ने की, है ना, क्योंकि एक बंदे की मैंने पेटी बना दी है, तो मैं पहले ही निकल लेता हूँ भाई, फोड़ लो गाड़ी फोड़नी है, मैं तो जा रहा हूँ भैया यहाँ से, एक बंदे की पेटी पुटी बना दी, हरा धुआं निकाल दिया और खुद लोग निकल गए यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ा लेफ्ट से लेके इन्हें घुमा के, मतलब घेर के पेलता हूँ, ठीक है, यहाँ घर घूर में कोई होता नहीं तो बढ़िया है, अपन लोग लेफ्ट में रुकेंगे इन्हें पेलेंगे। इतने में ही यहाँ पे मुझे झाड़ी में एक बंदा भैया छुपा हुआ दिखता है,
ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिखा नहीं होगा अभी, अब देखना, मतलब भाई झाड़ी में छुप रखे हैं भाई, कते खतरनाक। देखो आप ये मतलब अपने आपको क्या झाड़ी झाड़ी अमेजॉन फॉरेस्ट के बादशाह समझ रहे थे क्या आप, कि मतलब कोई नहीं देखेगा नहीं झाड़ी में? अरे भैया दिख जाता है यार, ठीक है हो जाता है भाई, ऐसा है नहीं, आपको भले ही लग रहा होगा कि कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन भाई दिख जाता है झाड़ी में भी, वो भी इतनी घनी थी नहीं, है ना, अमेजॉन फॉरेस्ट में मानता हूँ बना रखा है यहाँ पे, लेकिन इतनी घनी झाड़ी थी नहीं कि भैया आप दिखो ना। तो ऐसे काम मत करना यार कभी भी, प्लीज़ मत करना, ठीक है। सांप सूप बनते हो तब भी स्पॉट नहीं होते, लेकिन झाड़ी में बैठ रखे हो भैया ये सोच के कि कोई स्पॉट नहीं करेगा, भाई बहुत गलत, स्पॉट हो जाता है। लेकिन सपोर्ट सुपट गया यार, अब मतलब आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ, वो लोग उनके बंदे पता नहीं कहाँ होते हैं, मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है, मुझे पता था वो स्नेक मोड में चले जाएंगे, है ना, सांप मतलब बन के डसने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ, फ्लैट चली होती है, ठीक है, एक ऊपर, तो मैं बस देख रहा हूँ कि यार बंदे क्या हैं, क्या सीन है, मतलब स्पॉट तो करूँ तब पेलूँगा। इतने में क्या होता है भाई, ग्रोजा से स्प्रे वगैरह आने लग जाता है भैया, ठीक है, ठीक, यहाँ पे घरों पे बगाया होता है इन्होंने, मेरा टीममेट स्पॉट करता है, स्प्रे देता है वो भी, और भाई ग्रोजा सप्रेस चलती है भाई, मतलब आवाज़ तो सुन के तो मज़ा आता है, लेकिन जब अपने पे पड़ती है ना गोलियाँ भाई, दुख सा होता है यार कि ग्रोजा से देखो डैमेज डूमेज हो रहा है, गाड़ी भी फाड़ दी भाई ने, तगड़ा स्प्रे दे रहा होता है भाई, मानता हूँ मैं ये, ठीक है, काफ़ी तगड़ा स्प्रे होता है, मतलब सप्रेस है इसलिए पता भी नहीं चल रहा होता इतना, लेकिन भाई ने गाड़ी की फाड़ दी थी। तो मैं यहीं पे उतर जाता हूँ, है ना, डैमेज भी पड़ा होता है, फर्स्ट एड लगा लेता हूँ, बेटर सॉरी देन सेफ, है ना। मुझे लगता है मैंने फिर गलत डायलॉग बोल दिया, देखो गलत जितने भी डायलॉग होंगे यार बताते रहना कमेंट करके, है ना, ताकि अगली बार से ना हो, मुझे पता है अगली बार भी मैं गलत ही बोलूँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उनका ड्रॉप आ जाता है, मैं बोलता हूँ भैया यही टाइम है आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब वहाँ पे हो रही है लड़ाई कि भैया तुम कैसे लूटोगे ड्रॉप, ये गन हमारी है, ये गन हमें चाहिए, हम लूटेंगे इसे। तो लड़ाई का फ़ायदा उठाने में जब दो लौंडे लड़ रहे होते, भैया फ़ायदा उठा लो, कर दो थर्ड पार्टी, ठीक है, यहाँ पे वैसे थर्ड पार्टी नहीं है ये, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे होंगे गन के लिए। मैं देखता हूँ एक बंदा, ठीक है, कूद के घर पे कूद रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हार्ड स्कोप करता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया यहाँ से तो पड़ेगी, मैं निकलता हूँ राइट की तरफ, ठीक है, राइट में एक तगड़ा सा रिज दिख रहा है मुझे, अब यहाँ से मैं हार्ड स्कोप करता हूँ, एक गलती से हेडशॉट, ठीक है, इस हेडशॉट के लिए यार लाइक तो बनता है, कसम से लाइक कर दो और कमेंट कर दो, गलती से हेडशॉट, पता तो चले कि भैया हेडशॉट कैसे हुआ है गलती से। अब यहाँ पे मेरे पे फालतू के नेड होते हैं तो फेंक देना चाहिए यार नेड, है ना, क्या पता गलती से लग जाए, किसे पता है, तो नेड फटता है लेकिन गलती से नहीं लगता हर बार भाई, किस्मत काम नहीं आती। तो मैं और राइट से जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये मासूम बंदे रिवाइव खेल रहे होते भाई बहुत बुरा लगता है मुझे इनके लिए यार, मतलब तीन बंदे ले गया मैं यहीं पे, अब इस आखिरी बंदे पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना भाई, मतलब तीनों बंदे नौ के टीम के, तो यार प्रेशर तो बढ़ेगा, ठीक है, नौ को होते हैं, हम सबको पता है क्या चिल्लाते हैं, भाई यहाँ पर है, भाई यहाँ से पेल रहा है, भाई इधर मार, अबे क्या कर रहा है भाई, ठीक है, ये सबकी स्क्वाड में होता है जहाँ तक मुझे पता है, या अगर आप लोग बहुत शरीफ स्क्वाड हो, है ना, ठिलने के बाद भी डांटते नहीं हो अपने टीममेट को, तो यार बहुत ही बढ़िया यार, आप अपने आप के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे, और ये थी लाइक बढ़ाने की सस्ती निंजा टेक्निक यार, लेकिन कर देना कसम से दिल गुस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना लूटिंग का सीन हमेशा की तरह चलता रहता है, ठीक है, क्विक ड्रॉ वगैरह मिलती है, और यहाँ पे मुझे दिखती है ग्रोजा, भाई उठा लेता हूँ मैं, ठीक है, देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ग्रोजा दिखे उठा लो, वो अलग बात है आपके पे गोली नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, या आपने आपका टीममेट आपको धमकी दे रहा है कि भाई ग्रोजा तो हम ही उठाएंगे नहीं तो तुम्हारी तुड़ान होगी, तब आप छोड़ सकते हो, लेकिन भाई ग्रोजा दिखी ना भाई, उठा लो। और यार AWM का तो मतलब आप लोग समझदार हो ही, ठीक है, आपको कोई गाली दे, आपका टीममेट गाली दे कि भैया AWM मैं उठाऊंगा, उन्हें बोलो भैया हमसे तो ना हो पाएगा और उठा डालो, ठीक है, मुझे नहीं पता सिर्फ AWM होगी आप पे, दूसरी गन कुछ भी ना हो, लेकिन AWM उठा लेना भाई, बहुत तगड़ी गन है, मतलब मजा सा आ जाता है भाई, ठीक है, हमेशा उठा लेना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं पे भी हो, उठा लेना AWM, खैर आपको पसंद नहीं तो वो अलग बात है ना, खैर वो सब छोड़ा यार, यहाँ पे हम घर पे रश करते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे बंदे होंगे यार, क्योंकि एक आध घर ही होते हैं बचे हुए जोन में, तो मैं यहाँ पे संभल के जा रहा होता हूँ, ठीक है, नेड नूड हो रहे होते हैं, मुझे नहीं पता भाई कहाँ से कौन कर रहा है नेड, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ से मैं TPP वगैरह लेता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ भैया किसी ने स्प्रे कर रखा है यार, मतलब पहले क्रेट में कुछ ढंग की चीज़ें मिलने का चांसेस था, लेकिन अब तो ये जो स्प्रे वाली चीज़ आ गई है ना भाई, मतलब यार अब वो चांसेस और कम हो गए हैं भाई, और कम हो गए वो चांसेस कि भाई अच्छा तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, कुछ मिला भी तो ये स्प्रे मिलेगा जो कि आप वेस्ट कर दोगे गाड़ी गुड़ी में लगा के, कपड़े कुपड़े भूल जाओ, स्किन भूल जाओ यार, बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, ठीक है, और जैसे जैसे ये नई नई चीज़ें ऐड करेंगे भाई चांसेस कम होते रहेंगे।
तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, मतलब उकसाने की कोशिश करते हैं मुझे डीपी चला के। भैया मैं भी सोचता हूँ कि उकसाऊं उन्हें, लेकिन मेरे हाथ में होती है AWM, अरे भाई गोली थोड़ी ना वेस्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं सोचता हूँ कि यार अब तो इन्हें पीछे से उतर के पेलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो लोग रस करने नहीं वाले। फिलहाल मैं नेट डूट की कोशिश कर रहा हूँ, करता हूँ यार नेट नूट, जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें डैमेज हुआ होगा, लेकिन नॉक कोई नहीं होता कसम से। मतलब कभी तो लग जाए यार गलती से नेड, गलती से हेडशॉट लग जाते हैं, कभी नेड भी लग जाए, कतई मजा सा आ जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी नेड की जमा पूंजी जो होती है वो डाल देता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है पीछे से फ्लैंक मार के पेलने का, ठीक है। मैं यहाँ से कूद के नहीं जाता, मुझे भी नहीं पता क्यों यहाँ से जाता हूँ, कतई मतलब जंप करके अच्छा सा लगता है यार, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो भाई वो बंदे भी इधर की साइड आ जाते हैं, मुझे आते हैं फुटस्टेप तगड़े, मैं भगता हूँ पीछे की साइड, कहीं ठिला ठुला दिया इतने किल करने के बाद, भाई गड़बड़ हो जाएगी। और ब्रोकन वॉल के यहाँ पे जाके देखो भैया धमाका ये होता है फ्लैंक की पावर। तो इस भाई की मतलब तब तक पहली सप्रेस ग्रोजा जब तक पेटी ना बन जाए, है ना, पेटी बना डाली भाई की बिल्कुल। अरे भैया नहीं होंगे यार नॉक, मतलब एड ग्रोजा है मेरे पे, ऐसे कैसे नॉक हो जाएंगे, ठीक है, 1v1 में कैसे नॉक हो जाएंगे। वो बंदा सांप बन जाता है भाई थोड़ी देर के लिए, तो स्पॉट नहीं होता वो, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे पेल रहे हो ना, जब भी आप सांप से पंगे ले रहे हो और आपको स्पॉट होना बंद हो जाता है ना भाई, फटाक से गोलियां मत चलाओ, कवर में वापस आओ, स्पॉट करने की कोशिश करो, फिर दोबारा गोलियां चलाओ। क्योंकि अगर गोलियां चलाते रहोगे ना, उस बंदे को पता है जो सांप बन रखा है कि आप किधर हो, लेकिन आपको नहीं पता, तो आप ठिल जाओगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और अब होता है 4v1 सिचुएशन, ठीक है। मैं स्नाइपिंग करने की कोशिश करता हूँ, पर यार मतलब सस्ती स्नाइपिंग भाई ना हो पाता। तो एक स्मोक मेरा टीममेट बना देता है जस्ट इन केस अगर कोई आ गया, काम आएगा ये स्मोक अभी, मतलब इतना काम नहीं आता लेकिन काम आता है। तो ये लोग बिल्कुल मुझे अभी पता नहीं होता, मुझे लगा होगा यार कि एक आध टीम होगी, है ना, आराम से पेलूंगा, लेकिन नहीं, ये तो पूरी स्क्वाड है। तो 4v2 में फंस रखे हम, वो चार बंदे हैं। और गड़बड़ बताऊँ क्या है, असली गड़बड़ क्या है, जोन, ठीक है, मतलब जोन ने कसम खा रखी होती है कि भाई अपने पे नहीं बनना, ठीक है। वो ऐसी चार बंदे हैं और ऊपर से जोन भी उन पे बन रहा है, बढ़िया है भाई। तो वो बंदा SKS का स्प्रे दे रहा है मेरे पे, मैं बोलता हूँ भैया लेट जाओ इससे पहले कि थोड़ा खिलखिल जाऊँ, है ना, क्योंकि एक ही जगह पे रहूँगा, पत्थर के पीछे नेड नूड आ जाएंगे। यहाँ पे मैं ग्रोजा पे चेंज करके बूस्ट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे दिखता है पीछे बंदा भाई, तो उन्हें मैं दे देता हूँ हेडशॉट, है ना। अब मुझे पता होता है यहाँ पे कि यार ये लोग हमें ना यहाँ से निकलने देंगे नहीं, तो मैं अपनी पूरी जान लगा के किल कन्फर्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक होता है, ठीक वहाँ पे मैं रिवाइव नहीं दे सकता था उसे, तो मैं उसे बोलता हूँ भाई भाई आप इधर आ जाओ ना, क्योंकि कवर में, यार कवर में रिवाइव देंगे, रिवाइव दे रहा होता हूँ मैं, एक किल मुझे एक्स्ट्रा और मिल जाती है। ये बंदा मतलब चटक बन के नेट करने की कोशिश करता है, मैं जाता हूँ और स्प्रे पड़ता है यार दूसरा, और लो जी भैया जी मतलब फाड़ दिया यार भाई ने, ठीक है, ये मतलब घेर के पेला भाई, बहुत गंदा घेर के पेला, और वो जोन में बाहर, जोन के बाहर पेला, ठीक है। कसम से एक बार के लिए जोन बन जाता ना अपने पे, मजा सा आ जाता यार, लेकिन जोन ने भी कसम खाई है भाई कि यार इन्हें कैसे कैसे जोन में रखे, इन्हें बाहर फेंको जोन के, ताकि इन्हें चिकन ना मिले। खैर 22 किल कर दिया यार, तो मेरे लिए ये बढ़िया गेम प्ले था, ठीक है, केडी कुडी सब कुछ बच गई, जन्मों जन्मों के लिए 22 किल बहुत होते, चिकन हो जाता तो सही था, लेकिन यार हर गेम चिकन भाई बहुत दिक्कत होती यार, खासकर जोन जून आप पे ना हो। मुझे पता है यहाँ पे मुझे पूरा आगे नहीं जाना चाहिए था, मैं बच सकता था यहाँ पे, बस वही बात है कि फिर मुझे जोन भी निकलना था तब मैं ठिल सकता था, लेकिन क्या कर सकते भाई लोग। यार एक काम करना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते ऐसी सिचुएशन में, या सिचुएशन में, ठीक है, मुझे कसम से नहीं पता क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों। तो अंग्रेजी छोड़ो यार, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या करते, ठीक है, मेरी जगह पे होते तो। बस ये बात याद रखना कि आपका टीममेट नॉक था और गाड़ी जोन के बाहर थी और जोन आने वाला था और चार बंदे थे, ठीक है, मतलब एक को तो नॉक कर दिया था तो तीन बंदे बचे हुए थे। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंसे, ठीक है, हेल्प हो जाए उन लोगों की भी और मेरी भी। यार अगली बार मैं फंसा तो कमेंट पढ़ता ही हूँ मैं, मुझे भी पता चलेगा भाई कि मतलब क्या करना सही रहेगा, है ना, मतलब बताना यार कमेंट करके ज़रूर। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, अगर लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, प्लीज़ लाइक ठोक दो वीडियो पे, मतलब ठोक देना लाइक, ठीक है, ब्लू सा कर दो, नीला सा कर दो, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, सब्सक्राइब करके भी अलग सा मिलेगा यार आपको सेटिस्फैक्शन, ठीक है, अच्छी चीज़ है सेटिस्फैक्शन, तो सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। बस भाई लोग यार कल मिलते हैं, बाय बाय।